भाई मैंने वो सेटिंग यूट्यूब पे सर्च करी कि क्या प्रॉब्लम है मेरे एडसन में, जो पेमेंट होल्ड हो रही है, डॉलर कंप्लीट हो चुके हैं, सारा कुछ ऐड वगैरह मतलब बैंक अकाउंट वगैरह सब फिनिश है। मैंने यूट्यूब पे सर्च करा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक मुझे जो मेरे सेम जो मेरी एडसन में प्रॉब्लम है ना बिल्कुल सेम एक वीडियो उसी की तरह मिला। मैंने वो प्ले करा वीडियो सारा, उस वीडियो का मैंने देख देख कर सारा कुछ अपने यूट्यूब एडसन की सारी सेटिंग, जो एक फॉर्म होता है ना यूएसए फॉर्म, वो फिल करा। हेलो माय यूट्यूब जनता, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ आप सभी को पता होगा मेरी पेमेंट यूट्यूब पेमेंट इस मंथ आने वाली थी, बट गाइज़ वो है ना होल्ड हो चुकी है दो बार। गाइज़ पता है क्यों यार? यूट्यूब क्योंकि फर्स्ट पेमेंट का इशू है ना, इसलिए थोड़ा हार्ड लग रहा है, क्योंकि यार एडसन मेरा जो एडसन अकाउंट है ना उसमें स्टार्टिंग से लेके ही प्रॉब्लम रही है। उसमें जब मैंने क्रिएट करा था तब भी एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा गूगल एडसन पिन भी नहीं आ रहा था। उसके बाद पिन भी आ गया, जैसे तैसे करके सेटिंग ठीक ठाक कर ली थी, और गाइज़ अब आके ना एक सेटिंग फिल नहीं हुई थी, सारा कुछ पता नहीं, एक यूएसए फॉर्म होता है वो फिल नहीं हुआ था। तो मेरे एक भैया यूट्यूबर हैं, उनके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने उनको स्क्रीनशॉट दिया था अपने गूगल एडसन का कि भैया ये मेरी प्रॉब्लम चल रही है, रेड इशू दिखा रहा, कोई ना कोई इसमें इशू है, अब मेरी पेमेंट आने वाली है क्योंकि मेरे डॉलर कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए मैंने उनको स्क्रीनशॉट दी, तो वो कह रहे हैं भाई ये ऐसा ही होता है, जब तेरी पेमेंट आएगी उसके बाद ये हट जाएगा। बोलो भाई ठीक है चलो, क्योंकि भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके, तो काफ़ी बार पेमेंट भी आ चुकी है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन जो भी है, लेकिन उन्होंने गलत बताया था यार मेरे साथ, थोड़ा उन्हें क्लियर बताना चाहिए था कि ऐसा शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई उन्होंने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू रहने दे, ऐसे कुछ छेड़छाड़ मत कर, मैंने कुछ करा नहीं। और भाई अभी 19 तारीख को मेरे पास एक मेल आता है कि आपकी पेमेंट होल्ड कर दी गई है नेक्स्ट वीक उसके लिए, जो पेमेंट पीरियड होता है अगला वाला, मतलब अगस्त में अब जैसा भी है। भाई मैंने वो सेटिंग यूट्यूब पे सर्च करी कि क्या प्रॉब्लम है मेरे एडसन में, जो पेमेंट होल्ड हो रही है, डॉलर कंप्लीट हो चुके हैं, सारा कुछ ऐड वगैरह मतलब बैंक अकाउंट वगैरह सब फिनिश है। मैंने यूट्यूब पे सर्च करा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक मुझे जो मेरे सेम जो मेरी एडसन में प्रॉब्लम है ना बिल्कुल सेम एक वीडियो उसी की तरह मिला। मैंने वो प्ले करा वीडियो सारा, उस वीडियो का मैंने देख देख कर सारा कुछ अपने यूट्यूब एडसन की सारी सेटिंग, जो एक फॉर्म होता है ना यूएसए फॉर्म, वो फिल करा, तब जाके वो इशू हटा गाइस। तो अब जाके प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन गाइस बस इसी बात का थोड़ा दुख है, पेमेंट इस महीने आने वाली थी, अब नेक्स्ट मंथ मेरी पेमेंट आएगी यार, थोड़ा इस बात से थोड़ा वो लग रहा है। फैमिली वाले भी ये सोच रहे हैं कि 2 महीने से यही बोल रहा है कि अगले महीने पेमेंट आएगी, अगले महीने आएगी, पागल बना रहा है। लेकिन कोई नहीं गाइस, नेक्स्ट मंथ बिल्कुल डन है पेमेंट तुम्हारे भाई की, अब के बैंकर वाली पेमेंट आने वाली है, क्योंकि अब एक महीना और वीडियो बनानी है, तो एक महीना वो डॉलर प्लस जाएंगे तो अच्छा खासा बढ़ जाएगा पैसा जैसा भी है। तो नेक्स्ट मंथ मैं बाइक भी ले लूँगा अपना जैसा भी है। तो गाइस जो मेरे भैया हैं यूट्यूबर जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि यार वो वीडियो देखते हैं मेरी, तो कहेंगे कि मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। बट यार एक तरह से देखा जाए तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर सब पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ जो इशू दिखा रहा है, मैंने उन्हें स्क्रीनशॉट दिया कि हाँ इसे ठीक कर ले या फिर करा ले या मैं कर दूंगा। उन्होंने बोला ये कुछ नहीं होता, पेमेंट आने के बाद ठीक हो जाएगा। भाई पेमेंट उसी की वजह से होल्ड हो रही थी। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, बराबर में आपको दिख रहा होगा, पता नहीं क्या इशू था। इशू क्या था, एक यूएसए जो फॉर्म होता है ना वो फिल नहीं हुआ था फुल, समथिंग एक घंटे में जाके वो फिल करा मैंने, पूरा एड्रेस नाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत कुछ था, मैंने यूट्यूब पे देखकर सारा कर लिया, फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट मंथ तुम्हारे भाई की पेमेंट आ जाएगी, बस यही थोड़ा इशू चल रहा था। तो थोड़ा सैड भी हूँ और थोड़ा खुश भी हूँ, क्योंकि पेमेंट तो आएगी। सैड इसलिए हूँ क्योंकि यार इस मंथ हो गई, भाई हमें तो पता है कि पेमेंट मिलेगी हमें, लेकिन यार फैमिली वालों को थोड़ा वो रहता है कि यार पता नहीं आएगी नहीं आएगी। हमें तो पता है कि यार हमारी तो कहीं नहीं जा रही, होल्ड हो गई तो नेक्स्ट मंथ मिलेगी, उससे ज़्यादा ही मिलेगी, हमें तो बढ़ के ही मिलेगी जैसा भी है। तो बस यही था यार, बस ये प्रॉब्लम थी, लेकिन फाइनली कंप्लीट हो चुकी है जैसा भी है। तो तुम्हारे भाई की पेमेंट नेक्स्ट मंथ आ जाएगी जैसा भी है। और बहुत भाई मैंने स्टेटस लगाया था उसका फॉर्म का, जो यूएसए फॉर्म का था, वो कह रहे हैं कि भाई पेमेंट आ गई क्या, मगर भाई आ गई यहाँ पेमेंट, भाई बैंकर वाली पेमेंट आई है तुम्हारे भाई की जैसा भी है, अच्छे खासे डॉलर हैं जो भी है। तो बस यही था, मैं सोचा यार ब्लॉग भी नहीं आ रही कई दिन से, क्योंकि गाइज मेरे कैमरे की बैटरी ख़राब, सॉरी चार्जर ख़राब हो रखा है। कल दिल्ली जाऊंगा गाइज, कल डन है बिल्कुल, कल का जो ब्लॉग आपको देखने के मिलेगा दिल्ली का, और कल से ना रेगुलर ब्लॉग आने वाले हैं, और टाइमिंग शायद चेंज कर सकता हूँ, शाम को ही डालूंगा ब्लॉग में, इवनिंग में 6 बजे, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कुछ मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है मुझे जैसा भी है। तो मैं आज से ना समथिंग, अब जो आगे ब्लॉग आएंगे रेगुलर शाम को देखने के लिए मिलेंगे, हो सकता है अभी कन्फर्म नहीं है। तो कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कैमरे वाला भी सब खत्म हो जाएगा, फिर रेगुलर ब्लॉग, उसके बाद बाइक भी आ जाएगी, फिर तो भाई भयंकर सीन कर देंगे हम, बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइब भी कंप्लीट हो जाएंगे जैसा भी है।
तो गाइज बस आज का ब्लॉग यही था, मुझे आपको बताना था कि भाई प्रॉब्लम थी बट सॉल्व हो गई। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो गाइज कैसा लगा हमारा ब्लॉग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना। गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जिस भाई ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती है और आप देख पाए हमारा ब्लॉग सबसे पहले। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।